नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा तक अब दिन में धूप जलने लगी है और तापमान के तेवर भी तीखे हो गए हैं। लेकिन ये गर्मी सिर्फ मौसम में ही नहीं, मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी महसूस हो रही है। सोमवार को दूसरे चरण के 55 सीटों पर मतदान हुआ और दूसरे चरण के मतदानों के समापन के साथ ही तीसरे चरण का भी रण शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों पे वोट डाले जाएंगे। यानी तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि ये पहले दोनों चरणों के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिलों में होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी के दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर देहात में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जनता को अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट देने की भी अपील करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे दो चरणों के जो है वो मतदान संपन्न हो चुके हैं और आगामी 20 फरवरी को तीसरे चरणों में मतदान डाले जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता अपने अपने वोट बैंक को साधने में तेजी से जुट गए हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए कानपुर देहात से अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, तो लगातार जो है वो तीसरे चरण की सियासी बिसात बिछने लगी है और लगातार जो रैलियों का जोर है वो जोर पकड़ लिया है, तो जनता की किस ओर भीड़ जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सूबे के दो बड़े दिग्गज आज कानपुर देहात में जुट रहे हैं। अभय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी अभय जी, मैं आपसे जानना, कार्यक्रम जो है वो आज तय किया गया है। रसूलाबाद विधानसभा में पूनम संखवार एक प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से, उसकी जनसभा को सफल बनाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर देहात पहुंचेंगे। और वही कानपुर देहात की बात की जाए तो जिला मुख्यालय पर है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वो वहां पर वो चारों विधानसभा के जो प्रत्याशी होंगे उनके प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जी अभय जी, मुझे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये दोनों ही बड़े दिग्गज आज कानपुर देहात में जुट रहे हैं, तो ज्यादा भीड़, जनता का समर्थन किस प्रत्याशी को ज्यादा मिल सकता है? बिल्कुल, बात की जाए अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव का जो समूह है वो आज बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम रखा गया है। पार्टी कार्यालय के नजदीक ही अखिलेश यादव की जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, तो ज्यादातर जो भीड़ है वो वहां पर देखी जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिकंदरा में उनका संभावित जो कार्यक्रम है वो भी बताया जा रहा है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिकंदरा विधानसभा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जी, अभी तक कौन कौन से नेता जो है वो कानपुर देहात में आ चुके हैं जनता को साधने के लिए, जनता को अपने खेमे में लाने के लिए? बिल्कुल, बता दें देश के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी का अभी दो दिन पहले ही कानपुर देहात दौरा था और चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत दिखाई थी, जिसमें कि नरेंद्र मोदी ने जनसमूह को, एक बड़े जनसमूह को संबोधित भी किया था। इसके बाद लगातार कल की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य कल कानपुर देहात पहुंचे थे। सिकंदरा विधानसभा में उन्होंने अपने समर्थकों के खिलाफ एक बड़ा जन सैलाब को संबोधित भी किया हुआ था। कानपुर देहात की जनता का रुझान किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या भाजपा के समर्थन में ज्यादा लोग दिख रहे हैं या सपा के समर्थन में? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि बता दें कानपुर देहात की चार विधानसभाएं हैं, वहां पर लड़ाई कांटे की दिखाई पड़ रही है। कई सीटें जो है जिसमें बसपा का भी समर्थन अधिक दिखाई पड़ रहा है और कई सीटें हैं जहां पे सपा को भी समर्थन मिल रहा है। तो आगामी आने वाले समय में, अभय जी, आगामी आने वाले समय में और कौन कौन से नेताओं की कानपुर देहात में जुटने की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, जो बता दें आधिकारिक सूत्र है या जो राजनीतिक सूत्र है वो अभी तक जो है कि आने वाले समय में राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उनका भी कार्यक्रम कानपुर देहात में लग सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि अब जो सियासत है वो इस समय बहुत गर्म है, क्योंकि अब चुनाव के मुश्किल से 4 ही दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, सारे प्रत्याशी अपने दमखम से लगे हुए हैं। अच्छा, क्या इन सभी रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, कोविड गाइडलाइन की बात करें तो लगातार अधिकारी औपचारिकता के तौर पे तो कोविड गाइडलाइन की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन रैलियों की बात करें, या समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो या बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम हो, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर जो कोविड गाइडलाइन है या आदर्श बैठने की जो व्यवस्थाएं होती है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बगल में सीट होती है, ना कोई मास्क लगाए देखा जाता है, ना सोशल डिस्टेंस होता है, ये सब चीजों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। लेकिन जो औपचारिकता चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं जिले में वो अपने कागजों पर साफ तौर पे प्रोटोकॉल दिखाते हैं। इन दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज आज कानपुर देहात पहुंच रहे हैं, इनका कार्यक्रम कहां कहां तय किया गया है? रसूलाबाद विधानसभा जो प्रत्याशी है वो एक मील है, मील के सामने वो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे और
समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिला मुख्यालय माती में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद इस खबर पर अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण की जो सियासी बिसात है वो बिछनी शुरू हो गई है और लगातार सभी बड़ी पार्टियों के नेता जो है वो सभी जनता को अपने खेमे में लाने के लिए पूरी पूरी कोशिश लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर देहात जा रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो 20 फरवरी को होना है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार ने भी अब जोर पकड़ लिया है और लगातार सभी पार्टी के दिग्गज नेता अब ये तीसरे चरण के जो मतदान है उसके लिए जुट गए हैं और लगातार जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर जनता के बीच जाकर संपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और याद आ रहा है गाने से लोगों के बीच ख्याति पाने वाले संगीतकार बप्पी लहरी का मुंबई के जुहू के निकट क्रिप्टी केयर हॉस्पिटल में निधन हो गया। ये गायक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। हाल ही में गायक बप्पी लहरी कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे। सोने की मोटी चेन और चश्मा पहनने के लिए पहचान बनाने वाले गायक संगीतकार ने 70 और 80 के दशक में कई बड़ी फिल्मों में काफी हिट गाने दिए थे। इन फिल्मों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। उनका आखिरी बॉलीवुड गीत 2020 में आया था। ये बॉलीवुड उनका आखिरी गीत बागी 3 के लिए बंकस था। तो आपको बता दें कि बॉलीवुड में बीते 30 दिनों में ये दो बड़ी जो है और बुरी खबरें सामने आई हैं, जहाँ पहले हमने लता मंगेशकर जी को खोया था और अब हम बप्पी लहरी को इस देश ने अलविदा कहा है। तो आपको बता दें कि बप्पी लहरी अपनी मोटी चेन और अपने सोने के शौक के लिए जाने जाते थे और इन्होंने 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड को कई हिट सिंगर्स गाने दिए, कई हीरो की बप्पी लहरी आवाज भी बने हैं। जबकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बीती देर रात को लहरी जी का मुंबई के जुहू के क्रिप्टर केयर हॉस्पिटल में निधन हो गया और बीते एक महीने से वो इसी अस्पताल में भर्ती थे और ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें कोरोना भी हो गया था। ये वही सिंगर है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए थे और कई सिंगर्स की ये आवाज भी बने थे। इन्होंने 70 से 80 के दशक के बाद भी कई हिट गाने दिए जिनमें चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। जबकि बप्पी लहरी का आखिरी गीत जो है वो 2020 में आया था बागी 3 के लिए, इन्होंने बंकस गाना गाया था। तो बप्पी दा का जाना ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा शोक है, क्योंकि बीते 30 दिनों में बॉलीवुड ने एक अपना दूसरा बड़ा दिग्गज खो दिया है। बीते दिनों हमने लता जी को खोया था, जिसके बाद अब इनकी मौत की खबर आने से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बप्पी लहरी पूरे देश में बप्पी दा के नाम से जाने जाते थे और इनका मशहूर गाना डिस्को डांसर वो आज भी हमें कई जगहों पर सुनने को मिलता है और इस गाने की लोकप्रियता आज भी उतनी ही बरकरार है जितनी कि 70 और 80 के दशक में बरकरार थी। बप्पी दा को अक्सर बॉलीवुड प्रोग्राम्स में और इंडिया के जो टीवी शोज हैं उनमें भी देखा जाता था और उनमें भी इनकी खासी पहचान थी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो अभिषेक, बप्पी लहरी बीते एक महीने से इनकी हालत काफी स्थिर बनी हुई थी, तो क्या वजह बताई जा रही है कि इनका निधन आखिर किस वजह से हुआ है? जी मुस्कान, देखिए कहीं ना कहीं बप्पी दा का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीते 30 दिनों में
जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, जो भारतीय कला जगत है, उसमें दो ऐसे बड़े नामचीन हस्तियों की आकस्मिक मृत्यु हुई है जिसको कहीं ना कहीं अब कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। पहले हमारे देश ने स्वर कोकिला लता जी को खोया और आज बप्पी दा का जाना, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी क्षति है जो अब कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। अगर हम याद करें या याद करने की कोशिश करें कि क्या कोई ऐसा संगीतकार है जो बप्पी दा के तरीके में या बप्पी दा के लहजे में गाना गा सके, तो हम शायद याद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके उनके उनका जो ये लहजा था वो काफ़ी अलग था। वो अपने गानों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके गाने डिस्को डांसर, ओम शांति ओम, ये आज भी लोगों के ज़ुबान पे हैं। तो इस क्षति को अब कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जा पाएगा मुस्कान। और बीते एक महीने से बप्पी दा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं उन्हें दो दिन पहले अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, लेकिन फिर से उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया और कल रात को उनको मृत घोषित किया गया। मुस्कान जी, अभिषेक, तो उनके मृत जो उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है उसकी वजह क्या बताई जा रही, क्योंकि ऐसे खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें बीते एक महीने से वो अस्पताल में भर्ती थे, वो कोरोना से भी संक्रमित थे, तो आखिर वजह क्या रही उनके इस आकस्मिक निधन की? जी देखिए मुस्कान, क्रिटिक केयर अस्पताल जहाँ पे वो भर्ती थे उसके बयान के अनुसार वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपीनिया के चलते उनकी मृत्यु का कारण उन्हें बताया गया है। और कहीं ना कहीं वो एक महीने पहले से वो अस्पताल में थे लगातार, उन्हें और भी कई सारी बीमारियां थीं, वो दिल के पेशेंट थे। इसके साथ ही वो बीते मतलब एक महीने से तकरीबन कुछ दिन और पहले वो कोविड से भी ग्रसित थे, तो उन्हें उसके चलते भी अस्पताल लाया गया था। हालांकि जब वो अभी स्वस्थ होके जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी तो एकाध पब्लिक अपीयरेंस में भी आए थे, लेकिन उसके बाद फिर से कल रात को उनकी परसों रात उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया और बीती रात उनका जाना जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति छोड़ के रिक्त स्थान छोड़ के चला गया है बॉलीवुड में। जी अभिषेक, तो इनका अंतिम संस्कार कब तक किए जाने की आशंका जताई जा रही है? जी मुस्कान, देखिए अभी परिवार की तरफ से इस पे बातें की जा रही हैं कि ये आज किया जाए या कल, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे उनके घर, और इसलिए उनका पार्थिव शरीर आज रखा जाएगा जहां पे लोग अपने अंतिम दर्शन कर पाएंगे, और हो सकता है कि देर शाम तक उनका अंतिम संस्कार आज ही कर दिया जाए। तो यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जो प्रशंसक है वो उनका अंतिम दर्शन आज उनके आवास पर कर सकेंगे? जी मुस्कान, बिल्कुल, ये आज उनके परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और बहुत सारी श्रद्धांजलि जो है वो उन्हें लोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्विटर के ज़रिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर के ज़रिए अपनी भावनाएँ प्रकट करी हैं और अपना खेद जताया है। मुस्कान, बॉलीवुड के किन सेलिब्रिटीज ने अभी तक इस मामले पे अपनी प्रतिक्रिया दी है अभिषेक? जी मुस्कान, आप कह सकते हैं तकरीबन हर एक जो संगीत इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, चाहे आप विशाल ददलानी की बात करें, आप शाहरुख खान की बात करें, आप सलमान खान की बात करें, शाहरुख खान ने अपने जो उनकी पिक्चर थी ओम शांति ओम, जिसका गाना भी बप्पी दा ने कंपोज किया था, तो तमाम नामचीन हस्तियां जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हैं, उन्होंने बप्पी दा को आखिरी श्रद्धांजलि दी है, और आज शाम वो उनके घर पे पहुंच के उन्हें पुनः उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, और फिर कहीं ना कहीं बप्पी दा का अंतिम संस्कार के लिए आगे की जो पूजा पाठ है वो करके उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुस्कान, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, तो अभी आपने सुना कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आज या कल बप्पी दा का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। उससे पहले बप्पी दा के आवास पर उनके प्रशंसकों के लिए, उनका अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जिससे उनके प्रशंसक एक बार बप्पी दा का, अपने चहेते गायक का अंतिम दर्शन कर सके। तो बप्पी दा का जाना ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति साबित हुई है, क्योंकि बीते 30 दिनों में हमने लता जी को भी खोया था, जिसके बाद अब बप्पी दा के
आकस्मिक निधन की खबर आना भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक शोक की लहर इस पूरे खबर के बाद से दौर पड़ी है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।